वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप आप सब ठीक होंगे आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिटेल इसमें हम कवर करेंगे हार्वेस्टिंग एंड मजोरिटी इंडेक्सेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की उनको उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें आएगा रेस्पिरेशन रेट इथिलन की प्रोडक्शन ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर लूज या फिर जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को या फिर फिजिकल डैमेज हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज या फिर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग या फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वामेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें हम कवर करेंगे टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर मूवमेंट एंड एटमोसफेरिक कंपोजिशन तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या तो वो फ्रेश हों या फिर वो आ, अगर प्रोसेस्ड भी हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है डाइट का ठीक है तो जो इंडिया है वो टॉप प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो वर्ल्ड में जो कि एम्फोसिस करता है मिनिमाइज़ करने में पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज होते हैं उनको फिर भी एट प्रेजेंट जो सेवेंटी से एट्टी परसेंट होती है प्रोडक्शन इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो वेस्ट में जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के कारण ठीक है जो स्टेज होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करने की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वही डि डिसाइड करती है जो प्रोसेस करने के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्वालिटी क्या रह जाएगी ठीक है तो जो हारवेस्टिंग इंडेक्सेज होती हैं वो दो टाइप के होती हैं एक तो फिजियोलॉजिकल मच्योरिटी होगी एक कमर्शियल मच्योरिटी होगी जो फिजियोलॉजिकल मच्योरिटी होती है वो वो स्टेज होती है जिसमें प्लांट्स प्लांट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डेवलपमेंट को मैक्सिमम ग्रोथ तक लेके जाते हैं मच्योर करते हैं जब तक मैच्योरेशन अक्कर नहीं होती वो स्टेज होती है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी ठीक है इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद जब तक फ्रूट राइपन नहीं हो जाता ठीक है उसके बाद डेथ फेज आता है फ्रूट का एंड वेजिटेबल का जो कमर्शियल मच्योरिटी होती है वो वो स्टेज होती है जहाँ पे प्लांट ऑर्गन को सीधा मार्केट किया जाता है जहाँ मार्केट करना होता है दी मार्केटिंग ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज़ एम्ड इवेंचुअली एट अपीलिंग टू द कंज्यूमर यहाँ पे दो मेथड होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग मच्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं एक तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हो गए एक हो गए फिजियोलॉजिकल मैथड्स डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स में आगे डिवीजन होती है जिसमें फील्ड मेथड्स आते हैं जिसमें स्किन कलर शेप अरोमा टाइम बिटवीन फ्लावरिंग एंड फ्रूट बेयरिंग एंड रेडी हैं हार्वेस्ट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और नॉट लीफ के चेंजेस फर्मनेस इन सबको देखा जाता है जो पोस्ट हार्वेस्ट मेथड्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स में उसमें जूस का कंटेंट कितना है ऑयल कंटेंट शुगर कंटेंट स्टार्च कंटेंट इनको सबको देखा जाता है ब्रिक्स एसिड रेशो में स्पेसिफिक ग्रेविटी हीट यूनिट ऑप्टीमल प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फिजियोलॉजिकल मेथड्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर इथलिन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है इससे जो मच्योरिटी इंडेक्सेस हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनको डिटरमाइन किया जाता है अब जो मच्योरिटी इंडेक्सेस हैं वो फॉलो करने चाहिए यो जो कर, क्रिटेरिया बताया है उसको should be at the stage which will allow it to be at its peak condition when it reaches to the consumer. जो fruits and vegetables हैं वो अपनी इस stage पे होने चाहिए कि वो जब consumer को पहुँचे तो वो अपने peak stage पे हों. Should be at the maturity वो इतनी maturity भी पे होने चाहिए कि उन पे जो color और flavor और appearance develop हो वो acceptable हो and उनका size है जो fruits and vegetable का वो market करने के योग्य हो. Should not be toxic एंड शुड हैव हैव एन एडिक्यूट शेल्फ लाइफ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है स्लाइडली जो एमच्योर होते हैं जब एंड मच्योर ग्रीन स्टेज पे जब होते हैं येट देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हार्वेस्टिंग है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो व्रोप्रेट मच्योरिटी लेवल पे होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मच्योरिटी इंडेक्सेस हैं वो बेस्ड होते हैं फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल करेक्ट्रिस्टिक्स पे जैसे कि वेट टोटल सॉलेबल कंटेंट शुगर टू एसिड रेशो सर्टन आर्बेट्री यूनिट्स भी होती हैं जैसे कि कलर हो गया एंड पीरियड आफ्टर ब्लूमिंग कॉमनली एक क्राइटेरिया होता है जो यूटिलाइज करता है फॉर फिक्सिंग मचोरिटी इंडेक्स जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ डेज फ्रॉम ब्लूम टू हार्वेस्ट मेजरमेंट ऑफ हीट यूनिट्स विजुअल मीन्स भी होते हैं जैसे कि कलर हो गया प्रसिस्टेंस ऑफ और ड्राइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट फुलनेस ऑफ फ्रूट्स फिजिकल मेथड्स होते हैं केमिकल मेथड्स होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो फर्स्ट इसमें आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें फर्स्ट है रेस्पिरेशन रेट जो रेस्पिरेशन रेट है बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं वो एक लिविंग कॉमोडिटी की तरह बिहेव करते हैं जब हम उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं हार्वेस्ट करने के बाद भी वो रेस्पायर करते रहते हैं जो रेट एंड पैटर्न है रेस्पिरेशन का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे जैसे फिजियोलॉजिकल मच्योरिटी हो गया इंजरी हो गया स्टोरेज एटमोसफियर हो गया रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टोर्ड ऑर्गेनिक मटीरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स वो ब्रेक डाउन जाते हैं सिंपल एंड प्रोडक्ट्स में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन इसमें यूज होती है इस प्रोसेस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होती है जो रेस्पिरेशन रेट है वो एक्सपोज एक्सप्रेस होता है एज एमएल ऑफ ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम ही कंज्यूम हुई है एंड एमएल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्वड हुई है पर केजी ऑफ फ्रूट पर आर्मी जो uh, कुछ गैस एनालाइजर भी प्लेस किए जाते हैं लेवल ऑफ गैसेस को मेज़र करने के लिए जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंडिकेट करता है स्टोरेज द स्टोरेज लाइफ ऑफ द कॉमोडिटी हाई रेट ऑफ अगर हाई रेट होगा रेस्पिरेशन का तो उससे क्या होगा शॉर्ट लाइफ होगी जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसकी इट वुड ऑल्सो इंडिकेट द रेट एट विच द फ्रूट इज़ डिटोरेटिंग एंड क्वालिटी एंड इन द फूड वैल्यू जो फ्रूट्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरीशन पैटर्न ड्यूरिंग राइपनिंग उनको क्लासीफाई किया गया है एक तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो राइपनिंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हैं जब उसको प्लांट से अलग कर लिया जाता है मतलब हार्वेस्ट करने के बाद वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हैं जैसे कि डेट्स हो गया डेट्स सौ होगी ग्रेप्स हो गए एंड पाइन एप्पल लेमन लाइम पोमग्रेनेट हो गए ठीक है जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं जब हम एंड हार्वेस्ट uh, कर लेते हैं एंड रिपेंड ऑफ कर लेते हैं प्लांट से जैसे एप्पल पपाया बनाना मैंगो एंड जो रेस्पिरेशन पैटर्न है क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का उसको हम अगली इन ग्राफ्स में देखेंगे तो ये रेस्पिरेशन पैटर्न है क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स हैं एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं ठीक है, -climatic है जो क्लाइमेट्रिक में इसमें टोमेटो है फर्स्ट ग्राफ टोमेटो का है एंड जो नॉन क्लाइमेट्रिक है उसमें है ऑरेंज ठीक है तो इसमें पहले तो ब्रेक डाउन होती है स्टोरेज जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे पॉलीसेक्राइड्स हो गए फैट्स हो गए एंड प्रोटीन्स हो गए उनकी डाउन होती है बाय एंजाइम एंजाइम्स कौन से होंगे जैसे कि सेलोलर्स uh, हो गए हेमी सेलोलोज एंड माइलेज प्रो प्रोटीन एंड लाइपेसिस ठीक है उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है शुगर की पायरोविक एसिड में उसके बाद अरोबिक ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें जो पायरोट एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो एरेबिकली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी ये प्रोसेस प्रोसेस में टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है इस डायग्राम में रेस्पिरेशन रेट है जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ उसको दिखाया गया है अब हम दूसरा फैक्टर फैक्टर को देखते हैं जो कि इफेक्ट करता है पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसमें है इथिलिन प्रोडक्शन जो इथिलिन है वो एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि इफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं प्लांट के उनको ठीक है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म का एंड ये प्रोड्यूस्ड होता है सारे जो टिश्यूज़ होते हैं हायर प्लांट के एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी एज अ ये एक प्लांट हार्मोन है हार्मोन है तो जो इथिलिन रेगुलेट करता है ग्रोथ को डेवलपमेंट को एंड जो डेथ फेज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उसको इसके बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में ये अपना जो असर है वो शो करता है लेस देन जीरो पॉइंट वन पीपीएम पे इसका जो ये एक्टिवेट हो जाता है जो इथिलीन बायोसिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है अमाइनो एसिड मिथुनिन से जो कि एनर्जाइज्ड होता है बाय एटीपी टू प्रोड्यूस एस एडिनोसाइल मिथोनिन जो की एंजाइम है इस पाथमे में वो है एसीसी सी सिंथेटिस ठीक है जो कि कन्वर्ट करता है एस एडिनोसाइल मिथोनिन को वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कि आगे कन्वर्ट करेगा इथिलिन को बाय द एक्शन ऑफ एसीसी ऑक्सीडेज जो इथिलिन प्रोडक्शन रेट है वो डिपेंड करती है फ्रूट्स पे जनरली इंक्रीज हो इंक्रीज होती है वो मच्योरिटी एट हार्वेस्ट या फिर फिजिकल इंजरीज होने की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डिजीज इंसिडेंस हो गया उस पर वाटर स्ट्रेस होने की वजह से ठीक है तो अगला फैक्टर है जो कि जो क्वालिटी है पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की उसको इफेक्ट करता है वो है ट्रांसपीरेशन और वाटर लूज जो वाटर लूज है वो मेन कॉज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिट्यूरेट करने में ठीक है ये इट बिकॉज इट रिजल्ट नॉट ओनली इन इनडायरेक्ट क्वान्टिटेटिव लूजेज ठीक है बट ऑल्सो इन लॉजेज एंड अपेयरेंस टेक्सचरल जो क्वालिटी होती है उसकी या फिर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है क्रिस्पीनेस एंड जूसीनेस होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की उसको ये इफेक्ट करता है जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम डर्मल सिस्टम बोलते हैं वो रेगुलेट करती है वाटर लॉजेज को कॉमोडिटी से ट्रांसपीरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि कंट्रोल होता है बाय अप्लाइंग ट्रीटमेंट टू द कॉमुडिटी जैसे वैक्सीज या फिर सरफेस कवरिंग हम लगा देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे या फिर प्लास्टिक फिल्म हम लगा देते हैं या फिर मैनप्लेट करते हैं जब हम इन्वायरमेंट को हाई ह्यूमिडिटी बढ़ा के या फिर एयर के सर्कुलेशन को कंट्रोल करके इससे हम ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट फैक्टर है जी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे चिलिंग इंजरी हो जाए या फिर फ्रीजिंग इंजरी हो जाए हीट इंजरी हो जाए ये सारे डिसऑर्डर्स होने की वजह से जो प्री हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट है उनमें इंबैलेंस हो जाता है एंड या फिर अगर ऑक्सीजन लो हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक डाउन हो जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नेक्स्ट है फिजिकल डैमेज फिजिकल डैमेज अब कब हो सकती है जब हम इनको आ, इनको हम हार्वेस्ट करते हैं स्टोर करते हैं ठीक है तब फिज़िकल डैमेज हो सकती है नेक्स्ट फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें फ़र्स्ट आएगा टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है खराब करने में जो हार्वेस्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनको फॉर ईच अगर टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो रेट है डिटोरेशन का वो इंक्रीज होता है टू और थ्री फोल्ड जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस करता है कैसे इथोलिन इन्फ्लुएंस होगी हाउ जो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड है एंड जो एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो इफेक्ट करेंगे कॉमोडिटी को ठीक है जो ग्रोथ है पैथोजेंस की वो भी इन्हांस होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है टेम्परेचर से जैसे कि कुछ पैथोजेंस सेंसिटिव होते हैं लो टेम्परेचर से भी द कूलिंग ऑफ कॉमोडिटीज़ बिलो फाइव डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट कैन ग्रेटली रिड्यूज़ बैक material and mould road incidences. नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रेट है वाटर लूज का फ्रॉम फ्रूट वो डिपेंड करता है वाटर वेपर्स पे वाटर प्रेशर पे वाटर प्रेशर डिफरेंस है जो कॉमोडिटी का एंड सराउंडिंग का सराउंडिंग एम्बियन टेम्परेचर का उस पर डिपेंड करता है जो कि इन्फ्लुएंस होगा टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नेक्स्ट इज एयर मूवमेंट एयर की सर्कुलेशन रेट एंड जो विलोसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी से एटमोस्फिरिक कंपोजिशन जो एटमोसफिर कंपोजिशन है उसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिवेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो इंटेंशनल हो या फिर मॉडिफाइड या फिर कंट्रोल्ड एटमोसफिरक स्टोरेज या फिर अनइंटेंशनल हो वो बेनिफिशियल एंड हार्मफुल हो सकते हैं डिटोरेट करने में ठीक है नेक्स्ट इज इथलिन जो इथलिन है वो उसका यूज़ होता है राइपन करने के लिए सिट्रस फ्रूट को कैन वो एक्सरेट कर सकती है उसके डेथ फेस को भी एंड उनकी ससेप्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकती है टू तो डिके कॉजिंग पैथोजेंस